गाइस, तो आज हमारे सामने हुंडई की ऐसी गाड़ी खड़ी है जो कि आपको पेट्रोल से भी चलने वाली है और साथ साथ ये आपका सीएनजी गैस के साथ चलने वाली है, जिससे कि आपको माइलेज ज़्यादा मिल सके और आपका जो रेंज है वो भी आपको ज़्यादा मिल सके। तो हमारे सामने खड़ी है ऑल न्यू 2023 न्यू मॉडल हुंडई ओरा फेसलिफ्ट वर्जन, जो कि सबसे टॉप मॉडल है SX मॉडल। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं और इसी का आज हम लोग डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं और आपको भी बताने वाले हैं कि इसका प्राइस क्या है, इसमें आपको माइलेज कितना मिल जाएगा और इसका जो भी फीचर्स दिए गए इसमें, मैं आपको हर एक कुछ अच्छे से बताने वाला हूं इस वीडियो में। और पुराने वाले ओरा से इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा। उससे पहले आप इसका की देख पाएंगे, जो कि आपको दो की देखने को मिलेगा, दोनों ही की आपको रिमोट की दिया गया है। यहाँ से आप देखें तो आपको अनलॉक करने का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आपको लॉक करने का ऑप्शन दिया गया है और इस बटन को आप जब लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसका जो बूट है वो आपको टोटली ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इस कार के फ्रंट से शुरुआत करें तो इसका फ्रंट लुक देख पाएंगे, जो कि पुराने वाले ओरा से टोटली चेंज कर दिया गया। इसका फ्रंट वाला ग्रिल जो कि आपको टोटली ग्लॉसी ब्लैक कलर में कर दिए गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपको हुंडई का लोगो मिलेगा। पहले यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिलता था, बट अभी पे यहाँ पे आपको साटन फिनिश दे दिया गया है। ये भी ग्रिल देखेंगे जो कि आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर में ही दिया गया है। ये आप देखें तो आपको हेडलाइट का कंपार्टमेंट दिया गया है, जिसमें कि आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही देखने को मिलेगा हेडलाइट सेटअप, जो कि आपको रिफ्लेक्टर पे बेस्ड है। और यहाँ पे देखें तो ये आपका इंडिकेटर्स का ऑप्शन दिया गया है। नीचे की ओर देखें तो यहाँ पे आपको टोटली न्यू डिजाइन में आपको DRL लाइट्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको इनवर्स L शेप में दिया गया है। इसके साइड प्रोफाइल की ओर देखा जाए, उससे पहले आप इसके ऊपर की ओर देखें तो यहाँ पे आपको दो ठो वाइपर देखने को मिलेगा और साथ साथ यहाँ पे आपको दो ठो वॉशर का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसका ऊपर देखें जो कि आपको यहाँ पे कहीं भी रूफ रेल्स का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और इसके साइड प्रोफाइल की ओर देखें जो कि आप देख सकते हैं इसका साइड प्रोफाइल, जो कि हर एक डोर आपको क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर का भी ऑप्शन दिया गया है। बी पिलर आपको टोटली ब्लैक कलर में मिलेंगे और सी पिलर की ओर देखेंगे जो कि आपको थोड़ी से ग्लॉसी ब्लैक कलर में दिए गए हैं। इसके टायर सेक्शन की ओर देखें तो फ्रंट में आपको डिस्क का ऑप्शन मिल जाएगा, 175/60R15 इंचेस का इसका टायर दिया गया है। ये आपको एलॉय व्हील के साथ देखने को मिलेगा, जो कि आपको डायमंड कट एलॉय व्हील दिया गया है। अगर इसके रियर सेक्शन की ओर देखा जाए, वहां पे आप देखें जो कि आपको पुराने वाले जैसा ही देखने को मिल जाएगा। इसका LED टेल लाइट्स जो कि आप यहां से देख सकते हैं आपको दो पार्ट में दिया गया है। यहाँ पे आपको स्टॉप लैंप का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिल जाएगा और साथ साथ इसमें आपको रिवर्स जो पार्किंग है उसका भी आपको यहाँ पे लाइट दिया गया है। ये आप देखें जो कि आप एक टाइप से स्पॉइलर के रूप में दिया गया है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है। और नीचे की ओर देखें तो यहाँ पे भी आपको ओरा का ब्रांडिंग किया गया है और हुंडई का भी आपको लोगो मिल जाएगा, जो कि आपको साटन फिनिश में ही मिल जाता है। बीच में यहाँ पे देखें जो कि आपको क्रोम फिनिश दिया गया है और यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये सबसे टॉप मॉडल है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा का भी ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर की ओर देखें तो यहाँ पे आपको कोई भी वाइपर नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आपको डिफॉगर देखने को मिल जाएगा, वो देखें जो कि आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना का ऑप्शन दिया गया है। ये आपको पेट्रोल और CNG वाला वेरियंट है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको CNG का भी स्टिकर दिया गया है। तो गाइज, ये हो गया इसके रियर सेक्शन की तरफ। अब हम लोग इसका बूट स्पेस को ओपन करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि अंदर में जो CNG का सिलेंडर है वो कितने अच्छे से प्लेस किया गया है। उससे पहले आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैंने आपको बताया था कि इसे जब आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसका जो बूट है वो आपका ओपन हो जाएगा। हल्का सा ऊपर आता है, हल्का सा आवाज़ करता है और ये आप देखें आपका इजिली ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें जो कि 10 kg का इसका जो CNG का सिलेंडर है वो दिया गया है, जिसमें कि आपको 10 kg CNG गैस आपका ले जाएगा। इसको प्लेस करने के बावजूद भी आप यहाँ पे स्पेस देखेंगे, जो कि आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलेगा। इसके नीचे की ओर देखें तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील का भी ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आपको कोई भी कैबिन में नहीं दिया गया लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है, स्पेस आपको अच्छा मिलता है। और यहाँ पे भी आप देखें तो कोई भी आपको डोर हैंडल नहीं दिया गया इसे बंद करने के लिए, तो इसे हम लोग बंद करते हैं। अब हम लोग इसके रेंज की ओर देखें, जब एक बार आप इसके 10 केजी को फ्यूल करेंगे CNG गैस को, तो आपको लगभग देखा जाए, और पेट्रोल को भी आप फ्यूल करेंगे टैंक को, तो लगभग देखा जाए तो आपको 1000 किलोमीटर तक आपको रेंज मिल जाएगा, आपको लॉन्ग राइड में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद देने वाला है। अगर इस साइड से देखें तो यहाँ पर आपको 37 लीटर का पेट्रोल का कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, ये हो गया इस कार का आपका एक्सटीरियर। अब हम लोग इसके इंटीरियर की ओर चलते हैं और आपको इंटीरियर में चेक कराते हैं कि उसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा। तो अभी गाइज हम लोग ड्राइवर के डोर साइड पे आ चुके हैं और अभी इसे हम लोग ओपन करें, जो कि अभी लॉक है, तो इसे हम लोग अनलॉक करते हैं। अभी आप अनलॉक करेंगे तो आपको दो बार आवाज़ देगा TT का, उसके बाद ये आपका अनलॉक हो जाएगा और यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर का भी ऑप्शन मिलेगा। ये आप अनलॉक करें तो इसका आप इस साइड से देखेंगे, जो कि डोर ट्रिम, इसका डोर ट्रिम देखेंगे तो यहाँ पर आपको पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ स्पेस दिया गया रखने का सामान। ये आपका डोर हैंडल्स दिया गया, जो कि आपको साटन फिनिश में ही मिलता है। यहाँ पे आपको ORBM का कंट्रोल्स दिया गया, कि जो कि आपको ऑटो फोल्ड का ऑप्शन मिल जाता है
और साथ साथ आपको एडजस्टेबल का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप हर एक डोर को लॉक और अनलॉक कर पाएंगे। और नीचे की ओर देखें तो यहाँ पे आपको बोतल होल्डर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ कि आप अच्छा खासा 1 लीटर का बोतल को रख पाएंगे। यहाँ पे आपको स्पीकर का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको टोटल 4 स्पीकर देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे की ओर देखें तो यहाँ पे आपको जो पेट्रोल है उसको नॉब को ओपन करने के लिए जगह दिया गया है, ये आपको बूट को ओपन करने के लिए जगह दिया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो कि इसका फ्रंट वाला जो हुड है उसे आप यहाँ से ओपन कर पाएंगे। नीचे में आपको तीनों पैडल देखने को मिलेगा और नीचे में आपको यहाँ पे आपको लाइट का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको ब्लू कलर में लाइट दिए गए हैं, जिससे कि रात को आपको अच्छा फील मिलने वाला है। यहाँ पे देखें तो इस जगह पे आपको जो फ्रंट वाला लाइट दिया गया उसका जो बीम है उसे आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। इसे आप CNG और पेट्रोल में आप कन्वर्ट कर पाएंगे। और ये आप देखें जो कि आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप्स का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपको पुश के साथ ही दिया गया है। ये आपको AC वेंट्स दिए गए और यहाँ पे आपको थोड़े से गोल्डन कलर के फिनिश में देखने को मिलेगा। इसके सीट की ओर देखें जो कि आपको थोड़े लाइट कलर में सीट दिया गया है और आपको अच्छा सा फिनिश में मिल जाएगा। अब हम लोग इसके ड्राइवर सीट पे बैठते हैं, उसके बाद मैं आपको अंदर से चेक कराता हूँ और दिखाता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा। तो अभी आप देखें जो कि मैं ड्राइवर सीट पे आ चुका हूँ, इसमें आपको कोई भी लेदर फिनिश नहीं मिलेगा। और इसका जो स्टेयरिंग चेक करके दिखाऊँ मैं, जो कि आपको स्टेयरिंग में आपको चेक करके दिखाता हूँ, जो कि ये आपका देख सकते हैं ऊपर नीचे हो जाएगा, बट ये आपका टिल्ट ही दिया गया, ये आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल नहीं मिलता है। ये जो आपको दिया गया, जो कि आपको इसका लाइट का कंट्रोल दिया गया, इधर आप देखें जो कि आपको वाइपर का कंट्रोल्स दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि इसके मीटर कंसोल को यहाँ से आप अप डाउन कर पाएंगे, इसे आप यहाँ से टॉगल कर सकेंगे। और ये जो आप देख सकते हैं जो कि आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो भी स्विचेस दिया गया वो यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको वॉइस कमांड का ऑप्शन मिल जाता है, वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे, कॉल को रिसीव कर पाएंगे, कॉल को म्यूट कर पाएंगे और यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पे आपको फेवरेट लिस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको टोटल 4 एयरबैग देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको हुंडई का लोगो मिल जाएगा, जो कि आपको साटन फिनिश में ही मिलता है। ये आपका हॉर्न का ऑप्शन दिया गया, आपको साउंड अच्छा खासा इसके हॉर्न से भी मिल जाएगा। डैशबोर्ड की ओर देखें जो कि आपको टोटली ब्लैक कलर में डैशबोर्ड मिलेंगे और इधर आप देख सकते हैं थोड़े से गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। इस जगह पे भी आपको अच्छा स्पेस मिल जाएगा। और यहाँ पे देखें जो कि आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है, ये आपका AC वेंट्स हो गया। यहाँ पे आपको IRBM का कंट्रोल्स दिया गया, जो कि आपको मैनुअली एडजस्टेबल दिया गया है। ये आपका लाइट का ऑप्शन मिलेगा, हेलोजन का लाइट मिल जाएगा। ये आपको माइक का ऑप्शन दिया गया। और ये देखें जो कि आपको यहाँ पे आपको टिकट होल्डर देखने को मिलेंगे। और इस साइड से देखेंगे जो कि को ड्राइवर की ओर, तो यहाँ पे आपको मिरर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और ये आप देखें जो कि आपको पकड़ने के लिए आपको यहाँ पे जगह दिया गया है। अब हम लोग इसके MID की ओर देखें, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं इस कार को, उसके बाद मैं आपको MID चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप प्रेस करेंगे एक बार में, ये आपका भी स्टार्ट हो गया। इसका आप MID कंट्रोल देख पाएंगे, जो कि इधर आप देखें जो कि आपको टैकोमीटर का ऑप्शन मिल जाता है, इधर आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको फ्यूल क्या बचा हुआ वो आपको दिखाने वाला है, और साथ साथ यहाँ पे आपको CNG क्या बचा हुआ आपके सिलेंडर में वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे आप बीच में देखेंगे जो कि आपको पेट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही साथ आपको CNG का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ओडोमीटर का ऑप्शन मिल जाएगा, ये आपका जो डोर ओपन है वो आपको दिखाने वाला है। यहाँ पे आप देखें जो कि आपको TPSM का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ की आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का ऑप्शन मिल जाता है। और साथ साथ यहाँ पे आप देखें ड्राइव टू डिस्प्ले का ऑप्शन दिया गया है। इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पे आपको डोर का ऑप्शन मिल जाता है, लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, सर्विस इंटरवल क्या है वो आपको दिखा देगा, अदर फीचर्स जो भी है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो MID में आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और नीचे की ओर देखें तो आपको सीट बेल्ट का वार्निंग दिया गया है। इसके इन्फोटेनमेंट सिस्टम की ओर देखें तो इसमें आपको 8 इंचेस का इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एंड्रॉयड और ओटेक कारप्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको रेडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, ये आपको मीडिया का ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे आपको फेवरेट का ऑप्शन मिल जाएगा और इसके वॉल्यूम को अप डाउन यहाँ से आप इसे कर पाएंगे। और यहाँ पे देखें तो आपको क्विट मोड का ऑप्शन दिया गया, डिस्प्ले ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया, DRBM का कंट्रोल्स दिया गया, कस्टम बटन दिया गया, स्टेयरिंग व्हील दिया गया, मोड बटन दिया गया। और यहाँ से आप इसे लेफ्ट और राइट कर पाएंगे और यहाँ से आप इसे सेटअप कर पाएंगे। यहाँ पे आप देखें साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, डिवाइस कनेक्शन का मिल जाएगा, डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, बटन का ऑप्शन मिल जाएगा और जनरल का ऑप्शन दिया गया है। अगर फीचर्स की ओर देखा जाए तो इसके इन्फोटेनमेंट सिस्टम में भी आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। नीचे की ओर देखें तो ये आपको AC वेंट्स दिया गया है, यहाँ पे आपको हजार लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। और नीचे की ओर देखें जो कि आपको AC का ऑप्शन मिल जाता है। और नीचे में आपको जो दिख जाता है जो कि यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, ये आपको Type-C का चार्जिंग दिया गया है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग मिल जाएगा और यहाँ पे आपको USB का ऑप्शन मिल जाएगा। इस जगह कुछ अच्छा स्पेस मिल जाता है। इसमें आपको 5 गियर का ट्रांसमिशन मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, यहाँ पे आपको कप होल्डर का ऑप्शन मिलेगा। और ये आप देखें जो कि आपको क्रोम फिनिश के साथ आपको हैंड ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है। इसके रियर सीट की ओर देखें तो यहाँ पे भी आपको क्रोम में इसका डोर हैंडल मिल जाएगा,
इसे ओपन करें तो इसका भी आप डोर ट्रिम देख पाएंगे। यहाँ पे भी आपको एक तो पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाएगा, स्पीकर मिल जाएगा, बोतल होल्डर मिल जाएगा और ये आपको डोर हैंडल्स दिया गया है। अब मैं यहाँ पे आपको बैठ के दिखाऊँ जो कि आप देख सकते हैं। बैठने के बाद आप यहाँ पे देखें लेग रूम आपको कितना ज़्यादा मिलता है। ऑफकोर्स आप अपने पैर को आगे की ओर स्ट्रेच कर सकते हैं और आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पे आप थाई सपोर्ट देखेंगे तो ये भी आप देख सकते हैं, थाई सपोर्ट आपको दो बीते से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे थाई सपोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट का भी ऑप्शन मिलता है और कप होल्डर का भी ऑप्शन मिलेगा। फिलहाल ये आपका यहाँ पे जो प्लास्टिक लगा हुआ है जिसकी वजह से आपका ओपन नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे आप देखें जो कि यहाँ पे भी आपको एसी वेंट्स देखने को मिलेगा इसके रियर के लिए, और इसका जो लेबल है उसे आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। और नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे अभी आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। तो गाइज ये हो गया इस कार का आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर जो भी फीचर्स थे वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग इसके इंजन की ओर चेक करते हैं और इंजन में दिखाते हैं कि आपको क्या क्या पावर देखने को मिलेगा। यहाँ से पहले हम लोग सबसे पहले हुड को ओपन कर लेते हैं। ये आपका हुड ओपन हो गया है। अब मैं इसके फ्रंट से इसके इंजन के बारे में आपको मैं बताता हूँ। ये आपको ओपन हो चुका है और इसे आप राइट साइड की ओर धकेलेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रॉड का ऑप्शन मिलता है जिसे कि आप इसे एक जगह पे एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको कोई भी हाइड्रोलिक टाइप का नहीं दिया गया है, ये आपका एडजस्ट हो गया। यहाँ पे आपको कोई भी इंसुलेशन नहीं मिलता है क्योंकि इसका इंजन इतना ज़्यादा रिफाइंड है कि आपको इंसुलेशन का कोई भी नेसेसरी नहीं होता है। और यहाँ पे आप इसका इंजन देख सकते हैं जो कि आपको कापा का इंजन मिलता है 1.2 लीटर का। आपको 1200 सीसी का इंजन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको पेट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाएगा और पेट्रोल प्लस सीएनजी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये जो इंजन है जो कि आपको सीएनजी वाला इंजन है जो कि आपको 69 बीएचपी का पावर जनरेट करने वाला है और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपको बैटरी का ऑप्शन मिल जाएगा। इसकी सेफ्टी की ओर देखें तो इसमें आपको ABS EBD का ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइज ये हो गया इस कार का आपको इंजन का जो भी स्पेसिफिकेशन था वो मैंने आपको बता दिया। उससे पहले इसे हम लोग एक बार बंद कर देते हैं, इजिली आपका बंद हो गया। इसे आप जैसे छोड़ेंगे ये आपका इजिली बंद हो जाएगा। अब हम लोग बताते हैं कि इसका प्राइस क्या रखा गया है। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस रखा गया जो कि आपको 8,87,400 रुपये रखे गए हैं। आप शोरूम का मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप शोरूम बात कर सकते हैं। और इसका जो भी ऑन रोड प्राइस है और आपको कोई भी और भी डिटेल चाहिए तो आप शोरूम कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैंने गाइस इस कार के रिलेटेड आपको जो भी डिटेल रिव्यू में था, जो भी स्पेसिफिकेशंस था, जो भी बदलाव किए गए थे वो मैंने आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।